नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज शुक्रवार के दिन हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन कम्युनिटी बाजार कैसे ट्रेड करता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि सोना इंटरनेशनल मार्केट में $1915 पर है और सिल्वर $24 पर। सोने चांदी में कुछ करेक्शन बनती नजर आई है ऊपरी स्तरों से। कल के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि गुरुवार के दिन सोने चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी बनती नजर आई थी, जो सोने चांदी की जो कीमतें उछलती नजर आई थी और ये जो देखने को मिला था रशिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से देखने को मिल रहा था। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड सिल्वर में आगे निवेश की क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर कल के मुकाबले आज कुछ करेक्शन के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। कल को हमने देखा था कि गोल्ड और सिल्वर में अच्छी खासी रैली आती हुई दिखी थी। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो युद्ध छिड़ा है, अब उसका असर कहीं ना कहीं सोने चांदी पर भी पड़ता हुआ दिखा, लेकिन ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली भी बन गई। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आज सोने चांदी में मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से जो तेजी है वो फिर से बन पाएगी? देखिए, अभी तेजी का रुझान तो बना रह सकता है और कल जो एक अच्छी खासी रैली आई थी, दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते टेंशन की वजह से कल हमने देखा कि सोने में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ना केवल सोने में बल्कि चांदी में भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और यूं कहें कि सभी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर कल के कारोबारी सत्र में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला था और आज भी बाजार काफी तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोना जरूर ऊपरी स्तरों से हल्का सा फिसला है, लेकिन यहाँ पर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर देखा जाए तो हल्की करेक्शन यहाँ पर $1910 से लेकर $1900 तक आती हुई दिखाई दे सकती है और वहीं अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर में सोना $1940 से $1980 तक अभी भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट हमें लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा तनाव और बढ़ जाता है तो ऊपर में सोना $2000 तक भी जा सकता है, यानी एक अच्छी रैली अभी भी सोने में देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में 51000 पर सोना ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, जो कि कल 52700 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था। तो फिलहाल के लिए सोने के अंदर आज हल्की करेक्शन 50800 तक जा सकता है, वहां पर एक खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, इसी के साथ रूपा जी बात करें यहाँ से अगर आप कच्चे तेल की, तो WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल देख रहे हैं कि दोनों ही शानदार तेजी के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल है $98 पर 3% की बढ़त के साथ और क्रूड ऑयल WTI है $95 पर 3% की बढ़त के साथ। रूपा जी, कल के कारोबारी सत्र में हमने ब्रेंट क्रूड ऑयल को $102 का भी हाई लगाते हुए देखा था, अब आपको क्या लगता है, क्या जब तक ये जो युद्ध छिड़ता रहता है तो क्या गोल्ड ये जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो ऐसे ही तेजी की ओर रहेंगी और क्या जो क्रूड है $110 तक भी जा सकता है? देखिए, क्रूड अगर $100 के ऊपर सस्टेन करता है तो बिल्कुल तेजी लंबी बन जो तेजी है वो लंबी बन सकती है। अभी फिलहाल देखिए, कल हमने $100 के पार इसको जाते हुए देखा, लेकिन आज वहां से करेक्शन है और अभी भी बाजार कल के कंपैरिजन में देखा जाए, जो क्लोजिंग के बाद देखें तो आज भी 2.5% की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी कहीं से कोई भी ऐसा नहीं है कि एकदम से बाजार गिर जाएंगे, ऐसा भी फिलहाल कहीं से कोई सिनेरियो बनता दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्शन जरूर आ सकती है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है और $100 के पार, जैसा कि हम पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कच्चा तेल $100 के स्तर छू सकता है और अब यहां से अगर $100 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो $5 से $10 की और तेजी निकल सकती है। तो फिलहाल के लिए क्रूड जो है एक बार देखा जाए तो अपनी इस टाइम पीरियड की तेजी को ले चुका है, अब यहां से करेक्शन के जोन में भी जा सकता है, लेकिन करेक्शन कहां तक होगी वो अभी फिलहाल लिमिटेड दिखाई दे रही है। $90 मैक्सिमम डाउनसाइड हो सकता है और ऊपर में $100, $100 के ऊपर निकलता है तो $110 तक की तेजी है और फिलहाल के लिए $995 के आसपास ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है। तो आज इंट्राडे में देखा जाए तो $98 से लेकर $100 का आंकड़ा आज भी एक बार फिर से टच होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वही डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी क्रूड जो है अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7280 से लेकर 7320 की रेंज फिलहाल बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्स्ट हाफ में गिरावट बढ़ सकती है और $92 तक नीचे लुढ़कने के भी चांसेस हैं कि $92 के आसपास आ सकता है, वहां पर फर्दर बाइंग आती हुई दिखाई दे सकती है। जी
रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बेस मेटल्स की, तो कल को हमने बेस मेटल्स में भी काफी शानदार बढ़त बनते हुए देखी थी, ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव भी रहा, लेकिन अभी भी जो कीमतें हैं बेस मेटल्स की काफी अच्छी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स निकल कल को 1900 के पार जाता हुआ दिखा था, अभी भी 1871 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। बाकी जो बेस मेटल्स है जैसे कॉपर हुआ, तो वो भी इंटरनेशनल मार्केट में तेज ही है, $4.5 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या बेस मेटल्स की कीमतों में भी आगे तेजी ही देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल बेस मेटल की कीमतों में तेजी का ही रुझान है, और सबसे ज्यादा तेजी जो है हमें निकल और एल्यूमिनियम में देखने को मिली है। और अभी जो ये स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है यूक्रेन पर रशियन अटैक के चलते, एल्यूमिनियम प्राइस में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली है, और अभी एक्सपेक्टेड है कि ये तेजी और बढ़ सकती है। और वहीं देखा जाए तो इस बात का भी डर है कि पश्चिमी देशों और अमरीका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने से एल्यूमिनियम की जो सप्लाई है उसको लेकर डिस्टर्बेंस आ सकती है, जिसके कारण कीमतों में आगे चलकर भी और तेजी बन सकती है। वहीं देखा जाए तो चीन में भी बेस मेटल की सप्लाई को लेकर डिस्टरबेंस देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी पॉजिटिव है, और अगर ये स्थितियां गहराती हैं तो आप देखेंगे कि सभी नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर उछाल देखने को मिलेगा, चाहे वो क्रूड हो, सोना चांदी हो, या फिर बेस मेटल, या फिर नेचुरल गैस। तो इन सभी ये जो इंटरनेशनल कमोडिटीज है, सभी कमोडिटीज के अंदर आपको एक अपसाइड मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बाजार काफी पॉजिटिव है, लेकिन इन लेवल्स के ऊपर बाइंग भी बड़ा संभल कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक खबर बाजार को रिवर्स भी ले जा सकती है। तो इसीलिए फिलहाल इन लेवल्स के ऊपर बाइंग जरूर आती है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगे आज आप, हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन नॉन एग्री में जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है आने वाले कारोबारी सप्ताह में भी? देखिए मुझे तो निकल अभी भी यहाँ से काफी पॉजिटिव लगता है, मुझे लगता है कि निकल 2000 के स्तर को छू सकता है। तो फिलहाल के लिए निकल और कॉपर, इन दो कमोडिटीज में बाय कर सकते हैं। कॉपर मुझे लगता है कि 800 तक ऊपर जा सकता है, तो इन दो कमोडिटीज के अंदर बाइंग करके चला जा सकता है। जी इसी के साथ रूपा जी, नॉन एग्री में एक और सवाल रहेगा मेरा, आने वाला कारोबार इस सप्ताह नॉन एग्री कमोडिटीज के लिए कैसा रह सकता है? देखिए दिलेश, ये सब कुछ रूस और यूक्रेन की स्थितियों के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वहां पर कैसी स्थिति बनती दिखाई देती है, उसी के बेस पर बाजारों में मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर युद्ध की तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो प्राइजेस और ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे, और अगर तनाव में थोड़ा सा भी रिलीफ आता है तो प्राइजेस के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन ये वाला हफ्ता जो आज आखिरी दिन है, इस दिन कारोबार, आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमें लग रहा है कि बाजार तेजी के साथ ही बंद होते हुए नजर आ सकते हैं। जी, तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।